है अकबर सलमान बंजारा की असम पुलिस से मुठभेड़। असम में 2 लाख के इनामी थे अकबर और सलमान। 13 अप्रैल को मेरठ पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया था। गौकशी जैसे गंभीर केस में किठौर थाने में इनकी गिरफ्तारी हुई थी, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। असम पुलिस दोनों को वारंट पर ले गई थी। असम के कोकराझार में इन दोनों का एनकाउंटर कर दिया गया। गौकशी केस में इनकी गिरफ्तारी हुई थी और असम के कोकराझार इलाके में इन दोनों पशु तस्करों का एनकाउंटर हुआ है। मेरठ में 2 पशु तस्करों की असम पुलिस से मुठभेड़ और दोनों ही मुठभेड़ में मारे गए हैं। गौकशी केस में किठौर थाने में इनकी गिरफ्तारी हुई थी और दोनों को पुलिस वारंट पर लाई थी, जिसके बाद इन दोनों ही अपराधियों को आज एनकाउंटर कर दिया गया। असम पुलिस इन दोनों आरोपियों को वारंट पर ले गई थी। 2 पशु तस्करों की असम पुलिस से मुठभेड़ और दोनों ये जो पशु तस्कर हैं वो इस एनकाउंटर में आज मार दिए गए। नरेंद्र एक बार फिर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। नरेंद्र, और क्या कुछ जानकारी इस मामले में? देखिए, अभी तक की जो जानकारी मिल पा रही है, कोकराझार में इनको एक कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से वहां की पुलिस को 5 दिन की रिमांड इनको मिली थी। आज सुबह उसी रिमांड के दौरान जब इनको कुछ बरामदगी के लिए पुलिस लेकर जा रही थी, ये बताया जा रहा है कि ये तीनों जो बदमाश हैं, अकबर और सलमान और इसका भाई समीम, इन दोनों को लेकर जा रही थी अकबर और सलमान को, उसी दौरान एक पेड़ जो है वो रास्ते में पड़ा हुआ मिला, जिसके बाद वहां की पुलिस को ये आशंका हुई कि कोई हमला उनके ऊपर होने वाला है। वो पोजीशन ले पाते उससे पहले ही उनके ऊपर गोलियां चलाई गई और जो लोग गोलियां चलाने वाले थे वो उग्रवादी संगठन से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। इनको छुड़ाने की कोशिश की गई और जब वहां पुलिस और बदमाशों उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हुई तो उसमें इन दोनों को भी गोली लगी है। अभी तक इतनी जानकारी निकलकर सामने आई है। पुलिस का जो असम पुलिस का प्रेस नोट है उसका इंतजार किया जा रहा है। थोड़ी देर में जो आधिकारिक जानकारी है वो भी निकल कर आएगी। अभी तक इसके बैकग्राउंड के बारे में जो अधिकारियों ने बताया है, एक ये इंटरनेशनल तस्कर थे, नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में इनका नेटवर्क था, ये गोकशी करते थे करवाते थे और उनको उन नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के अलावा बांग्लादेश तक सप्लाई करते थे। इनका हवाला के कारोबार भी कनेक्शन बताया जा रहा है। इसके अलावा कई चरमपंथी उग्रवादी दल हैं जिनसे भी इनके कनेक्शन है, यानी कि इनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क था जो काम करता था और पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता देखा जाए तो हाथ लगी है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी सफलता है। हालांकि मेरठ पुलिस को इसके बारे में जानकारी तब हुई जब इनकी गिरफ्तारी हो गई और जब पुलिस ने इनका पूरा नेटवर्क और शुक्रिया नरेंद्र इस जानकारी के लिए। तो एक बड़ा नेटवर्क जिस तरीके से इन दोनों का सामने आया और आज एनकाउंटर इन दोनों आरोपियों का कर दिया गया है। असम के कोकराझार इलाके में दोनों आरोपियों का एनकाउंटर हुआ है। 2 पशु तस्करों का एनकाउंटर हुआ है। और जौनपुर से बड़ी खबर, राजस्थान में नौकरी करने गए युवक की मौत,